सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? तो नेचुरल रिसोर्सेज में ज्यादा छोटा सा टॉपिक लेते हैं H2O। क्या लेते हैं? H2O। वाटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। किसके बारे में पढ़ते हैं? वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट थिंग तो ये कि हमारे रूटीन लाइफ की जो भी चीजें हैं, हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें वाटर का एक मेन रोल है। क्या है? वाटर का एक मेन रोल है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम ये देखते हैं कि हमारे जो रेस्पिरेशन में, जो अर्थ पर जो रह रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो रेस्पिरेशन में गैस काम में आती है, वो कौन सी गैस काम में आती है? वो तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस काम में आती है? लेकिन अब बात करते हैं हम वाटर एनिमल्स की। किसकी बात करते हैं? वाटर एनिमल्स की बात करते हैं। तो वाटर एनिमल्स क्या करेंगे, कैसे पोस्ट लेंगे, कैसे रेस्पिरेट करेंगे? तो वो क्या करते हैं, वो किस में रहते हैं? H2O में रहता है, ठीक है। तो इस H2O में, जैसे हम एग्जाम्पल फिश का ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं? फिश का ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमने किसका ले लिया? फिश का ले लिया, वाटर के अंदर है। तो वो फिश क्या करेगी, ये जो वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कंपाउंड होता है H2O, उसको अपने किसके अंदर लेती है? गिल्स से पास करती है। किससे पास करती है? गिल्स से, फेफड़ों से, गलफड़ों से पास करती है। जब ये गिल्स से पास होती है तो इसके अंदर, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व है O2, उसको यूज किया जाता है। O2 को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है ऐसे रेस्पिरेशन, ठीक है। अर्थ पे जो रहे हैं वो तो ठीक है, एटमॉस्फेयर से सिंपली O2 ले ही रहे हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो O2 का या एयर का जो पाथ रहता है वो कैसे रहता है? नोज हुआ, ठीक है। नोज से क्या हुआ? लंग्स। लंग्स में लास्ट यूनिट कौन सी होती है? एल्वियोलाई, और यहीं से सीधा वापस। वैसे तो बहुत बड़ा नॉस्टल्स आ जाते हैं, नोज के बाद नॉस्टल्स आते हैं, फिर हमारी लेरिंग्स आती है, फिर लेरिंग्स के बाद क्या आती है? ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी और लास्ट में जाकर, सबसे लास्ट में जाकर क्या आती है? एल्वियोलाई। गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो सारा किसके अंदर होता है? एल्वियोली के अंदर होता है, ठीक है ना। तो वाटर एलिमेंट्स क्या करते हैं, वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो इस H2O को अपने गिल्स के अंदर से फोर्सफुली क्या करते हैं? पास करते हैं। जब ये H2O की गिल से पास होता है तो वाटर के अंदर जो डिसॉल्व O2 होती है उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो वाटर एनिमल्स ऐसे अपने रेस्पिरेशन में वाटर में डिसॉल्व O2 का उपयोग करते हैं। अब वाटर के साथ साथ ये बताएगी कि वाटर, थोड़ा पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, कुछ फैक्टर्स बता दिए, जैसे सिटी से या टाउन से जो सीवेज का पानी आता है वो सब, ठीक है, ये बता दिया। और क्या है? इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज आता है, वो सीधा इसमें डिजॉल्व मिक्स कर दिया जाता है वाटर के अंदर। किसके अंदर कर दिया जाता है? वाटर के अंदर। और पेस्टिसाइड्स हुए, जैसे पेस्टिसाइड्स, इनको भी सीधे किसमें डाल दिया जाता है? वाटर के अंदर डाल दिया जाता है। तो मेन थिंग्स बताइए जिनसे वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। जैसे पेस्टिसाइड्स इसमें डाल दिए, इंडस्ट्री से जो वेस्टेज आया वो सीधा आपने वाटर में फॉल कर दिया, सिटी टाउन से ये जो सीवेज वगैरह का कनेक्शन है, ये क्या है? मेन सोर्सेज हैं जिनसे वाटर क्या हो रहा है? पॉल्यूट हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉल्यूट। अब जैसे वाटर पॉल्यूशन हुआ, ये वाटर यहाँ पर मान लेते हैं पॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सीधा किसमें गया? रिवर में, पॉन्ड में। किसमें गया? रिवर में या पॉन्ड में, ठीक है। तो उनके अंदर रहने वाले एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव कौन प्रभावित हो गए? सब ज्यादा जलीय जीव। उनके एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगी, तो रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। जो भी वेस्टेज था उसको वाटर में मिक्स किया, ये जो मिक्स वाटर था वो किसमें गया? रिवर, पॉन्ड में गया। वहां जो रह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल, उनको किसमें प्रॉब्लम आई? प्रॉपर क्वांटिटी नहीं मिल पाई किसकी? ऑक्सीजन की। तो फाइनली किसमें प्रॉब्लम आती है फिर उनके? रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम आती तो एज ए रिजल्ट, लॉन्ग टाइम तक अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एज ए रिजल्ट उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये सारे जो छोटे मोटे
रीजंस बताए गए, फैक्टर्स बताए गए, सारे किसके बताए गए, वाटर पोल्यूशन के, किसके बताए गए, वाटर पोल्यूशन।